नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वैसे तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चुनाव से पहले लिट्रस काफी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब चुनाव जीतने के बाद ना तो उनसे प्रधानमंत्री का पद संभाला जा रहा है और ना ही ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था। जितनी तेजी से उनका रेटिंग गिर रहा है उतनी तेजी से ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी गिर रही है। लेकिन अब बात सिर्फ अर्थव्यवस्था की नहीं रही बल्कि आम लोगों के सर्वाइवल का भी है। दरअसल जब से लिट्रस ने प्रधानमंत्री का पद संभाला है तब से अर्थव्यवस्था लगातार गिरती जा रही है। हालात इतने ज्यादा बुरे हो चुके हैं कि ब्रिटेन को IMF का मदद लेना पड़ सकती है ताकि ब्रिटेन अपनी अर्थव्यवस्था को कोलैप्स होने से बचा सके। दोस्तों लिट्रस चुनाव जीतने से पहले ही कई ऐसे वादे कर रही थी जो आम जनता के लिए काफी लुभावने थे, लेकिन उससे खुद ब्रिटेन की सरकार और अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो सकता था। इस चीज को लेकर ऋषि सोमन ने कई बार चेतावनी दी थी कि लिट्रस के बयान और चुनावी वादे हकीकत से काफी अलग है। अगर उन्हें लागू किया जाता है तो उससे ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर संकट आ सकता है। अब वो बयान ऋषि सोमन की सच होती दिख रही है। जहां ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था खात्मे की कगार पर है और आम जनता के लिए रोजमर्रा की जिंदगी भी जीना मुश्किल हो चुका है। आपको ये बात जानकर काफी हैरानी होगी कि ब्रिटेन की जनता अपना बिजली के बिल देने से भी इनकार कर रहे हैं। दरअसल रूस और यूक्रेन का हवाला देकर ब्रिटेन सरकार अपनी जनता को लगातार महंगा तेल और नेचुरल गैस खरीदने के लिए मजबूर कर रही है, जिससे आम जनता के लिए गैस और तेल खरीदना काफी मुश्किल बन गया है। यहां तक कि बिजली बिल देना भी अब आम जनता के लिए काफी बड़ा परेशानी का सबब बन गया है। जहां आमतौर पर बिजली का बिल एक ब्रिटिश नागरिक को 1500 पाउंड का आता था, लेकिन वही बिल अब 2500 पाउंड का आ रहा है, लगभग 2.5 लाख से भी ज्यादा का। और इसके अलावा हालात को अगर नहीं संभाला गया तो यही बिल 3500 पाउंड का भी पार जा सकता है, जो कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था और आम जनता के लिए काफी खतरनाक होगा। इसी के वजह से ब्रिटेन की जनता प्रदर्शन पर आ चुकी है। वहीं पर ब्रिटेन की जनता अपने बिलों का जला रहे हैं रोड पर, साथ ही ब्रिटेन के अंदर डोंट पे का ट्वीट ट्रेन चलाया जा रहा है। ब्रिटेन की जनता को ज्यादा गुस्सा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि सरकार को युद्ध का हवाला देकर जनता को बेवकूफ बना रही है और महंगा तेल प्राकृतिक गैस खरीदने के लिए मजबूर कर रही है। वहीं पर ब्रिटेन की शक्ति पूर्तिकार कंपनियां के प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आम जनता का गुस्सा होना तो लाजमी है। जब आपकी जेब से ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है और जिस कंपनी को आप पैसा दे रहे हैं और उनका प्रॉफिट मुश्किल हालात में भी बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है आम जनता को तो गुस्सा आएगा। और यही हालात अब ब्रिटेन के हो चुके हैं। सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि अब सर्दियों का मौसम अब लगभग शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे तापमान घटना शुरू होगा ब्रिटेन के अंदर आम लोगों की जीना और मुश्किल होगा। वहीं ऐसे में अगर तेल के दाम इतने ज्यादा महंगे होंगे तो ब्रिटेन की जनता सर्दियों के लिए तेल नहीं खरीद पाएंगे। इसका अंजाम ये होगा कि ठंड की वजह से ही मारे जाएंगे। इसे लेकर ब्रिटेन की आम जनता सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं और ऐसे नारे भी लगाए जा रहे हैं जिसमें ब्रिटेन की जनता लगातार ये बात कह रही कि अपने प्रॉफिट बढ़ाने की वजह से लोगों को ठंड में मत जमने दो। दोस्तों लिट्रस ने चुनाव के पहले अपने वादों में ये भी बात कही थी कि आम जनता और गरीबों को जीने आसान करने के लिए और टैक्स में भी कटौती करेगी, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जहां एक तरफ लिट्रस टैक्स में कटौती करेगी वहीं पर इस पैसे को वसूलने के लिए प्राकृतिक गैस और बिजली के बिल बेहद ही ज्यादा बढ़ा देंगे। खैर दोस्तों अगर ये खबर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिए।